ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ 1965 ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਸੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਸੀ ਐੱਮ ਰਿਸਪੋਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ नाम मोहम्मद परवेज है परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद जो आपके फिरोजपुर स्मारक है असल उत्तर में मैं उन्हीं का ग्रैंडसन हूँ और मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने दादाजी के मज़ार पे हर साल चादर चढ़ाने आऊँ कोविड की वजह से 2 साल से मैं नहीं आ पा रहा था इस वजह से आज मैं 19 ग्रेनेडियर्स के कहने पर उनके रिक्वेस्ट पर मैं आया हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मतलब ऐसे मतलब विभूति का पोता होकर मैं उनके मज़ार पर आता हूँ। कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते रहते हैं मंत्री भी आते हैं सब कुछ लोग आते हैं लेकिन जो हमारी सुकून इस जगह पे होती है जहाँ हमारे भाई शहीद हुए हैं वो सुकून हमें कहीं नहीं मिलता है। और मेरे घर के गार्जियन भी मेरे फादर मेरे चाचा लोग बोलते हैं आप एक लोग वहाँ पे मज़ार पे जाके चादर चढ़ा दिया करो। सर भारत सरकार की ओर से आपको खुदाई मिल रही है जो जी जी बिल्कुल माननीय मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ सुविधाएँ उनकी भी मिली और कुछ कांग्रेस में मिली पेट्रोल। कैसा फख्र महसूस होता है देश के इतने बड़े हीरो हैं शहीद अब्दुल हमीद जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे दी आप उनके पोते हैं तो कैसे महसूस करते हैं? फख्र तो ये होता है कि पहली बात तो ये जो हमारी कौम है उसमें ये हीरो हैं और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को कि आप देश के लिए ही जिए और देश के लिए मरें ऐसी उलझुल बातें ना करें जिससे देश को हमारे हिंदुस्तान को क्षति हो या नुकसान हो या तकलीफ हो क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में जो चीज़ मिली है वो अन्य अगर जो सोचते होंगे कि पाकिस्तान में अच्छे मुसलमान रहते होंगे तालिबान में रहते होंगे ये उनकी गलत सोच है क्योंकि जिस तरह से सताए जा रहे हैं तालिबान में मुसलमान जिस तरह पाकिस्तान में सताए जा रहे हैं वैसे आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सुख अमन चैन से जो रह रहे हैं धन दौलत से वैसे कहीं नहीं है इसलिए हमें गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और फख्र होता है। मैं ये कहना चाहना क्योंकि मैं 1965 की लड़ाई में अब्दुल हमीद ने खुद शहीद किया मैं उन्होंने खुद देखा 3 टेक उड़ाते हैं जो चौथे टेक का एम लै रहा था जी उड़ा इतने 8, 9, 10 सितंबर को उन्होंने अटैक आते रहे 10 सितंबर को उनका जी ओ सी उन्हों का सी आर टी जो आपकी जीप चाह रहे थे वो इतने असी छड़ी चार नहीं करते मार कराए उदू बाद फिर शेलिंग वगैरह हो रही फिर सीज फायर हो गई उदू बाद फिर कोई उन्होंने अटैक नहीं किया क्योंकि उदों तक वो तकरीबन 60-70 टैंक अपने बर्बाद करवा लिए थे ये उसकी लड़ाई है। हम बेटे यहाँ मैं सही बताऊँ 6 सितंबर में हमने वहाँ अमरकोट से अटैक किया था इछोगल किनार पर इछोगल किनार हमने तकरीबन 11:30 बजे दिन में अटैक किया जाके कैप्चर कर लिया शाम को हमको मैसेज मिला कि विड्रा करके आगे चीमा गांव में डिफेंस लो तो हम विड्रा किए रात को आगे यहाँ डिफेंस लिए 7 तारीख को डिफेंस लेते रहे और 8 तारीख सुबह उनका अटैक आ गया उससे पहले हमने अपनी तैयारी कर ली थी माइन फील्ड वगैरह लगा दिया था तो हम उनको उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए तो फिर उनको 8 और 9-10 को
उनको आगे नहीं बढ़ने दिया ये हीरो।